वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन ईएम एंड रैम। तो मैंने जैसे पिछले ट्यूटोरियल में भी बता चुका हूँ कि दो टाइप के हमारे यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट और एक होते हैं रिलेटिव यूनिट। ठीक है, तो एब्सोल्यूट में क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं पहले ही बताया था, पिक्सल एब्सोल्यूट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लिया पी, ठीक है, इसमें कुछ टेक्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है, और अब मैं देखो इसका फॉन्ट साइज दूंगा पी का, मैंने दिया फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट यूनिट है। ठीक है, ये 15 पिक्सल इसका साइज आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा मैं इसको दे सकता था रिलेटिव यूनिट। ठीक है, 15 पिक्सल का मतलब ये स्क्रीन को छोटा बड़ा करूँ या कोई फॉन्ट छोटा बड़ा हो, ये फॉन्ट अपना हिसाब से छोटा बड़ा नहीं हो रहा। जैसा कि देखो ये बॉक्स छोटा बड़ा है, बड़ा हो रहा है, ऐसे ये टेक्स्ट छोटा बड़ा नहीं हो रहा, टेक्स्ट का साइज वही है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मैं इसको दूंगा, सबसे पहले मैं देता हूँ, देखो सबसे पहले दूंगा मैं ईएम। ईएम क्या होता है, ईएम होता है जो इसका पेरेंट है उसका फॉन्ट साइज का, उसका जो फॉन्ट साइज है उसका कितना, जितना मैं गुना दूंगा ये उसका उतना गुना हो जाएगा। इसमें 15 ईएम दिया तो फॉन्ट साइज का 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके पेरेंट को मैंने कोई फॉन्ट साइज दिया नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी ऐसे नहीं कर, ऐसे लेता हूँ 2 ईएम करता हूँ, देखता हूँ कितना आ रहा है। जो डॉक्यूमेंट का नॉर्मल साइज होगा, रूट का साइज होगा, उससे कैलकुलेट कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके पेरेंट को फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज मैंने इसको दे दिया 10 पिक्सल। ठीक है, तो 2 ईएम का मतलब हो जाएगा 20 पिक्सल। ठीक है, फॉन्ट साइज देखो इसका 20 पिक्सल आ रहा है इसमें। ठीक है, और चेक करना है तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं इसमें ले जाए इंस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पर आएगा हमारा स्टाइल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर फॉन्ट साइज 10 पिक्सल आ रहा है, किसका आ रहा है, डिप का आ रहा है। तो मैं इसके पी पे जाता हूँ, तो देखो पी का फॉन्ट साइज किधर गया है, पी का फॉन्ट साइज 2 ईएम आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए हम यहाँ पर होता है ये कैलकुलेट, देखो यहाँ पर दिखा रहा है फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट होके आ रहा है, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल हो रहा है, जबकि यहाँ पे फॉन्ट साइज में 2 ईएम दिया हुआ है। 20 पिक्सल हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसके रूट को 10 पिक्सल का फॉन्ट साइज दिया हुआ है। तो 10 पिक्सल यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे 20 पिक्सल हो जा रहा है। तो ईएम का मतलब है वो अपने पेरेंट का और जितना भी देंगे उतने गुना हो जाएगा। ठीक है, उसे को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 10 दिया तो 20 कर देगा। इसी तरीके से दूसरा होता है रैम। रैम क्या होता है, रैम होता है रूट से लेता है, वो इससे नहीं लेगा, रूट से लेगा। ठीक है, ये रूट से ले रहा है, जो पहले वो ले रहा था ना ईएम, वो भी वो रूट से ही ले रहा था, ये भी रूट से ले रहा है, ये पेरेंट से नहीं लेगा। रूट का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे जाता हूँ रूट, ठीक है, मैं रूट में फॉन्ट साइज दे देता हूँ उसको, फॉन्ट साइज 5 पिक्सल। ठीक है, अभी इससे लेगा देखो, और यही नहीं है ऊपर वाला भी, तुम देखो ऊपर वाला जो दे रखा है ना उसने, वो भी उसने रूट के फॉन्ट साइज से फॉन्ट साइज ले लिया। ठीक है, तो ये है ईएम और रैम में डिफरेंस। ईएम देखो मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको, पी का फॉन्ट साइज मैंने ईएम कर दिया। ठीक है, और तुम्हारा जो जो ये आ रहा है H1, इसका फॉन्ट साइज ऑलरेडी रूट से ही आता है, अगर हम इसके पेरेंट को साइज नहीं देंगे तो रूट से ही ले रहा है, क्योंकि ईएम होता है इसका साइज भी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये डिफरेंस बिटवीन लिखा हुआ है इस पर मैं जाता हूँ, ये रहा इसका फॉन्ट साइज, देखो ईएम आ रहा होगा, ये देखो फॉन्ट साइज 2 ईएम आ रहा है। ठीक है, 2 ईएम आ रहा है, और मैंने फॉन्ट साइज आके था 10 पिक्सल, कैलकुलेट कितना हो रहा है 10 पिक्सल, क्योंकि हमने जो रूट में वो 5 पिक्सल दिया हुआ है, हम रूट का साइज बढ़ा देंगे। ठीक है, और देखो अब मैंने इसको ईएम कर दिया, तो ये अपने पेरेंट से लेने लग गया। और ऐसे ही हम अगर रूट का साइज बढ़ा दें तो देखना उस हेडिंग का भी साइज बढ़ जाएगा, मैंने इसको कर दिया 10 पिक्सल, तो देखो हेडिंग का साइज भी इसी के बराबर आ रहा है, क्यों, क्योंकि रूट के साइज को हमने चेंज किया हुआ है। ठीक है, इसको कर देते हैं 15 पिक्सल।
ठीक, तो देखो अब ये बड़ा हो गया, ठीक है, तो ये डिफरेंस है ईएम और रैम में। ठीक, इसके अलावा हमने पिक्सल देख लिया, ईएम देख लिया, रैम देख लिया। अब ऐसे ही हम इसको पैडिंग को भी, ऐसे हम पैडिंग में मार्जिन भी दे सकते हैं ईएम रैम में, तो वो भी ऐसे ही काम करेगा, जो रूट का है उससे काम करेगा। ठीक है, अगर हम पैडिंग को ईएम में दें, मैंने पैडिंग पैराग्राफ को जो पैडिंग दे रहा हूँ, मैंने दे दी इसको 3 ईएम। 3 ईएम का मतलब देखो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया तो 2 3 ईएम का मतलब वो 30 पिक्सल हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके पेरेंट का फॉन्ट साइज जो है वो 10 पिक्सल है, तो इसकी पैडिंग 30 पिक्सल होनी चाहिए थी। जब ये 20 पिक्सल हो रहा है, ये 30 पिक्सल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये जो है, पैराग्राफ की बात करूँ तो देखो पैडिंग 60 पिक्सल आ रही है, रीजन पैडिंग वाटर पैडिंग 60 पिक्सल आ रही है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब आप ईएम दोगे तो वो अपने उसी में जो उसके पास फोन साइज होगा उसका उसका ईएम काउंट करेगा। ठीक है, वो पेरेंट का भी नहीं देखेगा, तो वो इसी का ईएम लेता है, लेकिन अगर आप रैम दोगे तो वो पेरेंट का ही लेगा। ठीक है, ये देखो पेडिंग 45 पिक्सल आ रही है, रीजन क्योंकि तो हमने उसको जो रूट है उसमें 15 पिक्सल दिया हुआ है, तो 15 पिक्सल के हिसाब से ये 45 पिक्सल आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपनी जगह पे ठीक है। जैसे कि आपको कई जगह पे होगा कि कई जगह पे रूट के हिसाब से साइज कम करना होगा, कई जगह पे आपको बॉक्स के हिसाब से साइज कम करना होगा, पैडिंग कम करनी होगी, तो उस हिसाब से आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ईएम और रैम, मिलते हैं नेक्स्ट टोटल में। थैंक यू, धन्यवाद।